नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और आप खबरों को देते हैं विस्तार। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार दोपहर को शिवपुरी की ओर से आई मालगाड़ी की एक बोगी का पहिया पटरी से उतर गया। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग और दूसरे कर्मचारियों ने करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद मशीनों के जरिए डी रेल हुए पहिए के पेयर को पटरी पर रखा। इस दौरान करीब ढाई घंटे तक डाउन ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यातायात बाधित रहा। पता चला है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ट्रैक पर पटरी के नज़दीक बदलने के लिए दूसरी पटरियां रखी हुई थी। संभवतः ट्रेन की बोगी का पहिया इससे टकरा गया और 10 मीटर तक रेलवे स्लीपर से टकराता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बीचों बीच बोगी का पहिया डीरेल हो गया। इस दौरान झांसी की ओर से आने वाली ताज एक्सप्रेस और खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस को दूसरे प्लेटफॉर्म से निकाला गया। रेलवे के अधिकारियों ने फिलहाल घटना के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन रेलवे पुलिस ने कहा है कि कुछ गाड़ियों को ट्रैक बदलकर रवाना किया गया है। मशीनों के जरिए डीरेल हुई बोगी के पहियों को वापस ट्रैक पर लाया जाएगा। रेलवे प्रबंधन से जुड़े पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि जिस जगह बोगी डीरेल हुई वहाँ कर्व है, इसलिए संभवतः साइड में रखी सीधी पटरी से टकराने के बाद बोगी डीरेल हुई है। वहाँ उधर जो काम हो रहा है वहाँ बात करें, जो आपको सूचना मिली हुई, मुझे सूचना मिली, जो सूचना क्या गाड़ी वैगन के बारे में, हाँ वो आप देख सकते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं, मैंने अभी देखा नहीं। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को प्रबंधन द्वारा बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें प्रबंधन के फैसले को गलत बताते हुए छात्रों के भविष्य का हवाला दिया है। हाई कोर्ट ने BSF की ओर से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विवेक खेड़कर से पूछा कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके कारण स्कूल को बंद किया जा रहा है। दरअसल BSF की टेकनपुर अकादमी में वहां के अधिकारियों जवानों के अंशदान से एक सोसाइटी द्वारा संचालित सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना 1972 में की गई थी। यहां अधिकांशतः BSF जवानों के बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके अलावा आसपास रहने वाले कुछ बच्चे भी यहां पढ़ाई करते हैं। कक्षा 1 से लेकर इंटर तक इस स्कूल को काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है और यहाँ एडमिशन को लेकर कड़ी मशक्कत करना पड़ती है। BSF के कर्मचारियों ने एक सोसाइटी बनाकर स्कूलों की शुरुआत की थी। पूरे प्रदेश में BSF के इस तरह के 6 स्कूल हैं, लेकिन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित स्कूल को ही बंद करने का फैसला प्रबंधन ने लिया है। हाईकोर्ट ने प्रबंधन से स्कूल को बंद करने के कारणों के बारे में पूछा है और उन्हें नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट इस मामले की समीक्षा करेगा और स्कूल प्रबंधन के जवाब का कोर्ट को इंतजार है। दो अभिभावकों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और प्रबंधन के फैसले को जनविरोधी बताया है। आबकारी अमले ने नयागांव में एक गोदाम से 470 पेटी देशी शराब पकड़ी है। यह गोदाम नयागांव में स्टेट हाईवे से कुछ ही दूरी पर है। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि सीमा से अधिक माल गोदाम में स्टोर किया गया है। शराब उठाकर अभी आबकारी के अधिकारी कार्यालय पहुंचे ही थे कि गोदाम मालिक भी पहुंच गया। शराब कारोबारी का आबकारी अफसरों से मुंहबात भी हुआ। कारोबारी का आरोप था कि कुछ दिन पहले लोकायुक्त में शिकायत करने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि आबकारी अफसरों का कहना है कि लाइसेंस सीमा दिखाओ और माल छुड़ा ले जाओ। आबकारी विभाग को बुधवार को सूचना मिली थी कि नया गांव पनिहार में कमला इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की शराब दुकान के पीछे गोदाम में सीमा से अधिक देशी शराब स्टोर किया गया है, जिस पर आबकारी अधिकारी प्रवीण उपाध्याय के नेतृत्व में अमले ने छापामार कार्रवाई की। स्टेट हाईवे से कुछ दूरी पर दुकान तो बंद मिली, पर पीछे गोदाम में काफी मात्रा में शराब रखी हुई थी। करीब 470 पेटी देसी शराब को अमले ने निगरानी में लिया और पड़ाव स्थित आबकारी कार्यालय ले आए। यहां अभी आबकारी विभाग जब्ती की कार्रवाई कर रहा था, तभी गोदाम मालिक शराब कारोबारी प्रवीण शिवहरे वहां पहुंच गए। उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। उनका आरोप था कि उन्होंने कुछ दिन पहले आबकारी अफसरों की लोकायुक्त में शिकायत की, जिस कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। दस्तावेज दिखाने के बाद भी वैध शराब को नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि इस मामले में आबकारी विभाग का कहना है कि प्रवीण लाइसेंस दिखा दे, यदि इतना माल रखने की सीमा होगी तो माल वापस कर दिया जाएगा। सारे आज होटल और ढाबों की तलाशी होनी थी, उसी क्रम में तलाशी लेते हुए पहले मधुबन होटल की तलाशी ली तो उसमें लगभग 1 से 1.25 पेटी बियर
इसके बाद दुकान का इंस्पेक्शन करने नई दुकान नए बाजार जो नया गांव दुकान है उसमें सामान इंस्पेक्शन किया, उसमें भी बियर की दो पेटियां पकड़ी गई। उसके बाद पता लगा कि यहां पीछे कहीं अवैध इकट्ठा है, तो उसको ढूंढते ढूंढते आए यहां पे, तो मकान पता लगा कि यहां पे शराब रखी हुई है। ताला तोड़ा, ताला खोला, चाबी मंगवाई, ताला खोला, खोल के और इसमें पेटियां जब्त की, तो पेटी जब्त करके और कब्जे आबकारी ले लिए। लगभग 400 पेटी के आसपास हैं, काउंटिंग चल रही है। इसके बाद में अपने काउंट करने के बाद इनको अपनी गाड़ी जब्ती में ले रहे हैं। इसकी कीमत लगभग 14 से 15 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। मेरी फरम है कमला इंफ्राटेड कॉम प्राइवेट लिमिटेड। मैं नया गांव का देसी शराब दुकान का लाइसेंसी हूँ। ये लोग फ्लाइंग स्क्वाड शैलेश सिंह साहब की टीम ने मेरी दुकान पर आकर मेरी दुकान के में से पूरा माल जब्त कर लिया, मेरी लाइसेंसी दुकान में से मेरा माल जब्त कर लिया और मेरे को मेरे पर दबाव बना रहे हैं कि मैंने जो शिकायत लोक आयुक्त और EOW में की हैं उनको वापस लें, नहीं तो मैंने इनसे इनके रिश्वत मांगने की शिकायत मैंने लोक आयुक्त में की हुई है। नेशनल मेरी दुकान नेशनल हाईवे पर नहीं है, मेरी दुकान नेशनल हाईवे से बहुत अंदर है। नहीं, मेरी दुकान है लाइसेंसी दुकान है जिसके मेरे पास कागज़ हैं। मैं अभी मेरे को पता नहीं है ये माल लेके आए हैं, मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं वहाँ पर नहीं था। लाइसेंसी दुकान है मेरी जिसके कागज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ आया था। मेरे साथ DC साहब ने शैलेश सिंह जी ने मेरे संग बदतमीजी की, मुझे धक्के दे के बाहर कर दिया और मुझे हथकड़ी लगवाने के लिए बोल रहे हैं। मेरी सुन नहीं रहे, ना तो मेरी फरियाद सुनी जा रही है और मुझे धौंस दी जा रही है DC स्टाफ की तरफ से कि ये शिकायत वापस लो नहीं तो तुमको धंधा करना दुश्वार कर देंगे, तो मैं धंधा नहीं करने देंगे, दुकानें नहीं चलाने देंगे। कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं। और चाहते हैं EOW या लोकायुक्त जहाँ भी शिकायत किए हैं हम उनका लोकायुक्त और EOW का अभिनंदन करते हैं, वो तो जल्द से जल्द जाँच कराएँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। शराब वैध हो लेकिन इन्होंने अवैध गोदाम पे अवैध जगह पे रखा हुआ था, उधम बचाना उनका काम है, कार्रवाई करना हमारा काम है। ग्वालियर के मोहना थाना इलाके में एक युवक की ट्रक की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राधेश्याम ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता था और ट्रॉली लेकर मोहना जा रहा था। इस बीच रास्ते में ट्रैक्टर को रास्ते में खड़ा कर जब उसने सड़क पार करनी चाही तो सामने से तेजी से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी जिससे उसकी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को PM हाउस पहुंचाया है। वहीं आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घर पर जा रहे थे, वहां दोरार पे हुआ था 12 चक्का गाड़ी ट्रक जे ट्रैक्टर से थे, पैदल आ रहे थे, मतलब ट्रैक्टर रख के पैदल से आ रहे थे। ट्रक से हुआ एक्सीडेंट, उससे वो मुँह उसके सिर में शरीर में चोट आने से मृत हो गया। उसको PM कार्रवाई कराना आया, रात में रख दिया गया था 100 नंबर। नहीं, डायरेक्ट ही हो गया वो तो एक्सीडेंट्स। अब हाँ ट्रावी नहीं पकड़ा गया है, पकड़ लेंगे, वो तो नंबर आ गया उसका, वो टक्कर दे के भाग गया सीपरी तरफ। मृतक का नाम राधे श्याम उर्फ कल्ली मोहना। पड़ाव थाना इलाके के सिंधिया कन्या विद्यालय के सामने गुरुवार तड़के गेहूं से भरा एक ट्रक पलट गया। बताया गया है कि ट्रक इंदरगंज से ग्वालियर आया था, इस दौरान चेतकपुरी से सिंधिया कन्या विद्यालय की ओर उसने जैसे ही टर्न मारा अचानक सामने मोटरसाइकिल को आते हुए देखकर अनबैलेंस हो गया और ट्रक पलट गया जिसके कारण दोपहर 3 बजे तक यहाँ जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने भी यहाँ जाम से निपटने के लिए मोर्चा संभाले रखा, साथ ही ट्रक को रास्ते से हटाने की कार्रवाई की गई। मैं तो मालूम ही नहीं था, हम तो घर सो रहे, ड्राइवर आया 4:30 बजे, मोड़ पे कोई ओवरटेक कराया गाड़ी ने किसी ने, उस कारण पलट गई। मैं आया था सुबह ड्यूटी पे, तो मेरे को अभी बताया गया था कि सुबह 4:30 और 4 के समथिंग में ये पलटा गया है। और मेरे को थाने पे आया था तो बोला कि वहाँ पे LIC तरह पे एक ट्रक पलट गया, तो वहाँ पे कोई ट्रैफिक बाधित ना हो इसलिए हमको यहाँ पे भेजा गया। ये नहीं, ये बता रहे AG ऑफिस साइड से आ रहा था। हाँ, ये क्या है कि कोई गाड़ी किधर से भी लेके जाता है कहीं कहीं, इसलिए ट्रैफिक जाम हो जाता है। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के आर्य नगर गली नंबर 3 में दो युवकों के बीच विवाद में मारपीट हो गई जिसमें एक युवक घायल हो गया। बताया गया है कि सतीश जैन का यहां दिलीप वर्मा नाम के युवक से 1 साल पहले से विवाद चल रहा था।
और गतरोज जैसे ही वो बाराधरी चौराहे से आर्य नगर के लिए मुड़ा, वैसे ही दिलीप ने सतीश के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद मुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आर्य नगर गली नंबर 3 में मैं रहता हूँ और बाराधरी पे मेरे पे उसने दी है सरिया, मारा है सरिया बटा दिलीप दिलीप वर्मा आर्य नगर गली नंबर 3। वो चोर है, गेम कट, एक साल पहने का विवाद है भैया, ऐसे गाली गलौज का था उसने, पहले भी हम मेरे पे भी दी है, भैया पे भी दी है, अब उसने फिर घर पे गाली गलौज कर रहा है, मेरे को बाजार में गिल्ली उसने मारा है, यहाँ पे आप कुछ सुनता ही नहीं है, बस आते हैं रिपोर्ट लगवा के चले जाते हैं। फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से एक आरोपी को जमानत दिलाने आए युवक को पुलिस ने दबोचा है। बताया गया कि सेवानगर में रहने वाला महेश यादव यहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय में किसी सौरभ नाम के युवक को जमानत दिलाने पहुंचा था। इस दौरान मजिस्ट्रेट के सामने जब उसने जमानत के लिए जरूरी दस्तावेज जमा किए तो मजिस्ट्रेट को उस पर शक हुआ और उन्होंने इंद्रगंज पुलिस को बुलाकर आरोपी को उनके हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। कल माननीय न्यायालय रिजवी साहब के यहाँ JMFC जो अपने कोर्ट में है उनके यहाँ पर एक सौरभ सन ऑफ चंद्रकिशोर चंद्रशेखर कोरी की 34-2 में जमानत हेतु धर्मेंद्र यादव नाम का व्यक्ति आया, महेश यादव सन ऑफ भीकम सिंह यादव जमानत हेतु आया, जो ऋण पुस्तिका लेकर आया था जिसमें सेसा का पता लिखा था, सेसा की जमीन थी, तो उससे साहब को जो जमानत मतलब जो ऋण पुस्तिका थी उसमें कुछ संदेह लगा तो उन्होंने उससे ऋण पुस्तिका के संबंध में डिटेल पूछताछ की तो वो कुछ सही जवाब देने में असमर्थ रहा, तो साहब को लगा कि ये कुछ कूटरचित टाइप की ऋण पुस्तिका तैयार करवा के लाया है। उस संबंध में साहब ने JMFC साहब ने हम लोगों को सूचना दी, हम लोग मौके पे पहुँचे, पूछताछ की तो बताया कि ये फर्जी तरीके से ये ऋण पुस्तिका तैयार करवाई थी मैंने, और आरोपी जो सौरभ है जो 8 महीने से 34-2 आबकारी एक्ट में के अंतर्गत मतलब जेल में बंद है उसकी जमानत करवाने के लिए आया था, तो इसी संदेह के आधार पे हम लोग उसको थाने पे ले आए और हमने पूछताछ करने के बाद धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है जिसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। पूछताछ के दौरान इसका कहना है कि एक बार पहले भी मैंने एक व्यक्ति की जमानत फर्जी जमानत ली थी, उस संबंध में डिटेल अभी डायरी में खुलासा कर दिया गया है उसका, नहीं ऋण पुस्तिका जो होती है जिसके आधार पर जमानत मुलजिमों को न्यायालय से जमानत दी जाती है तो वो ऋण पुस्तिका फर्जी तरीके से इसने तैयार करवाई है, नहीं पैसे वैसे का कोई मैटर नहीं था, वो कुछ मतलब आस पड़ोस का ही रहने वाला था, वो मदद के हिसाब से उसने इस तरह का काम किया है। ग्वालियर जनागंज थाना इलाके के सत्यनारायण की टेकरी घोसीपुरा में रहने वाले एक युवक ने देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि मृतक राजेंद्र सिंह चंदेल की पत्नी का 10 साल पहले निधन हो चुका है और घर में माँ पिता एवं भाई रहते थे, लेकिन बीती रात उसने घर के पीछे नीम के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुबह जब उसे फांसी पर लटके देखा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को PM हाउस पहुँचाकर विवेचना शुरू कर दी है। कारण का तो अभी कोई स्पष्ट नहीं है, घर में कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना कोई घर में कोई कलेश ना कोई मैटर, शाम का टाइम बढ़िया राजी खुशी सब लोग, इनने खाना भी खाया है सो गए हैं, और सुबह जब हम लोगों की नींद खुली तो हमारे जो दादाजी हैं इनके पिताजी जब वो सुबह मतलब नित्य क्रिया के लिए वाशरूम के लिए गए तो उन्होंने देखा कि ये लटके हुए थे फांसी पे, सब लोगों को जगाया, बस तब से सीधे पुलिस बुलाई है, सीधे यहाँ आ गए। इनका नाम राजेंद्र सिंह चंदेल, सन ऑफ प्रहलाद सिंह चंदेल, पेशे से ड्राइवर है, उम्र इनकी करीब 42-43 वर्ष के आसपास उम्र है, कोई बीमारी नहीं कोई कुछ नहीं, ना कोई ऐसा कभी पहले कभी प्रयास भी नहीं किया कभी ऐसा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये मैं डायल एंडेड पर ड्यूटी कर रहा था तो घोसीपुरा सत्यनारायण की टेकरी पर रहते हैं राजेंद्र सिंह चंदेल, जिनके परिवार जनों ने देखा तो सुबह 5 बजे के करीब ये पेड़ पर फांसी में लगाए हुए लटके हुए मिली थी, उसके बाद उन्होंने 100 डायल पर कॉल किया, तत्काल में पुलिस पहुंची, थाने पर सूचना दी गई, थाने से अधिकारियों ने करके इनके पोस्टमार्टम के लिए शव को लाया गया है। ये प्राइवेट वाहन चालक थे और ग्वालियर में ही रहते थे, सभी लोग रहते हैं इनके, अब ये सब बाद में बता पाएंगे, विवेचना के बाद में मालूम पड़ेगा क्या कारण रहा है क्या नहीं है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों ने मुलाकात की और प्रशिक्षण के अनुभवों को साझा किया।
नरोना प्रशासन और प्रबंधन अकादमी में यह 102 नायब तहसीलदार विगत 11 मार्च से 10 सप्ताह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि क्षेत्रीय विकास के साथ जन समस्याओं का त्वरित निराकरण प्रशासनिक अधिकारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिकारी वर्ग धैर्य और तत्परता के साथ इस दायित्व का निर्वहन करें तो परिणाम सदैव सुखद होंगे और स्वयं को संतुष्टि होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमले को एक टीम के रूप में कार्य करना चाहिए, तभी योजनाओं का मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। एक गांव का ही दायित्व था आपका, और गांव के लोग जो वहां रहते थे वो लाभार्थी थे राज्य सरकार की योजनाओं का। तो राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गांव के बूढ़े, महिला, बच्चे, किसान, ये सबको मिले, इसका प्रयास आप करते हैं। ये आपके दायरे में नहीं है तो ऐसे विषय लेकर आप आइए, प्रांत के साथ बैठिए तो काफी समस्या प्रांत के जरिए हो जाएगी। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ पुलिस की 25वीं वाहिनी कॉलोनी में आयोजित भागवत कथा प्रवचन प्रसंग में शामिल हुई। यहाँ पंडित विपिन कृष्ण शास्त्री ने भागवत कथा का प्रवचन किया। इस प्रसंग का आयोजन कॉलोनी की महिलाओं द्वारा किया गया। राज्यपाल ने इस मौके पर विधिवत पूजा अर्चना की और आरती में भी शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भागवत कथा के सुविचारों में ज्ञान का अपार भंडार है, इन्हें घर घर तक पहुँचाने के सार्थक प्रयास किए जाएँ, इससे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होंगे। राज्यपाल ने समाज और परिवार के नव निर्माण में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ें। भागवत कथा प्रवचन प्रसंग में महिलाओं, पुरुषों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। परम सौभाग्य है आज सभी का, ठाकुर जी की कृपा आज हुई है जो आज मध्य प्रदेश की, ये उनकी विनम्रता का प्रमाण है। और देखिए शास्त्र में लिखा हुआ है कार्य को कितना सुंदर कर सकती है, इसलिए एक बार पुनः मैं आनंदीबेन जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। उन्होंने इतनी मेहनत और कर्मठ सुदृढ़ता से इस पद को बड़ी सुंदर तरीके से निभाया है। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ऐसे भागवत कथा का आयोजन करना पूरे 7 दिन ये कार्यक्रम अच्छी तरह से चले, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब सुनने के लिए आए और एक अच्छा संस्कार लेकर हमारा परिवार आगे बढ़े, इसमें महिलाओं का योगदान रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि आप सब लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इसकी वजह से आज मैं आपके पास आई हूँ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।